आज हम लोग अपने खुद के घर में बना के खाने वाले हैं दूध का मावा, जिसे हम खोआ भी कहते हैं। पर उसके लिए चाहिए होगा दूध। तो मेरे पिताजी पुराने घर से 2 बोतल दूध लेके आ चुके हैं और इसे लाते ही इन्होंने मेरी मम्मी को दिया। लेकिन आज मम्मी का भी घी बनाने का काम था, तो अब ये घी बनाने लग चुकी है। और काफी टाइम मेहनत करने के बाद इन्होंने कुछ इतना घी निकाला। फिर इधर मेरी कांची ने दूध गर्म करके इसे ढक दिया, तो इधर मेरी मम्मी इस गोल गप्पे के साथ मस्ती करने लगी। चलो जल्दी से दूध का मावा बनाते हैं ना। चलो बना ही लेते हैं। सबसे पहले तो मेरी कांची ने इस छोटे से कढ़ाई से बड़े कढ़ाई पे दूध डाला, तो उसके बाद इसी के बगल पे देसी घी बिठाया। एंड फिर मैंने भी चीनी का डब्बी खोल के थोड़ा सा चीनी ऐड किया, क्योंकि मुझे मीठा कुछ ज्यादा ही पसंद है। लेकिन अब मुझे इसको करीब आधा घंटा तक लगातार चलाना होगा, तो मेरे पैर में दर्द ना हो इसलिए मैंने अपना गेमिंग चैनल का 5 साल पुराना चेयर निकाला, जिसको मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब इनकम से लिया था। खैर, इसी में बैठे बैठे मैं इसे लगातार चलाने लगा, तो कभी कभी मेरी कांची भी मुझे हेल्प करने लगी। और फाइनली हमारा मावा बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करके मेरी कांची ने सभी के लिए सर्व किया। तो सबसे पहले मेरी मम्मी और गोल गप्पे को दिया, देन फिर हम दोनों के लिए भी ये लेके आ गई, जो बहुत ही टेस्टी था। चलो बाय।